पंचायत धनखेरी परोका के मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिसमें सभी कर्मचारियों ने तन्मयता से अपना योगदान दिया। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलन के बाद अबुआ आवास के बारे में विस्तृत जानकारी दी, ताकि लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए इस YouTube के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। सर, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखिए, सरकार के निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित तिथि के आधार पर आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आज पंचायत धनकेरी प्रखंड इटकोरी में आयोजित किया गया है। इसमें सभी प्रकार का स्टॉल्स लगाया गया है। जो भी ग्रामीण या जो भी समस्या अपना लेके आते हैं, तो जिस स्टॉल में उनके समस्या संबंधित जो भी है, उसका निष्पादन हम लोग त्वरित ऑन द स्पॉट या राइट टू सर्विस के आधार पर जो एक समय सीमा के अंदर हम लोग निष्पादन का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो नया स्टॉल है, जो पिछले बार भी ये सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, आज के जो कार्यक्रम में अबुआ आवास एक बहुत ही नया योजना है। इसके अबुआ आवास का मतलब होता है कि हम लोग का अपना आवास, और इसमें ऐसे लोगों को उसमें भरना है जिसका आवास नहीं है, आवास विहीन है या कच्चा आवास है जो बहुत जर्जर स्थिति में है। और अभी जो हाल फिलहाल अतिवृष्टि वगैरह हुआ है, उस दरमियान भी जिसका आवास पूरी तरह से गिर गया हो, या आपदा के तहत जैसे हाथी के द्वारा कोई आग तोड़ दिया गया, मैंने हाथी के द्वारा कोई किसी के घर को गिरा दिया गया, आगजनी हुआ हो, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए आज आवास अबू आवास के भर रहे हैं। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया है, उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना, भौतिक सत्यापन करना है, और इसके पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदन करके उसको प्रायोरिटी सूची बनेगा। इसके बाद हम लोग आवास जो दिया जाएगा लक्ष्य के अनुरूप। और बाकी जो अपना स्टॉल सब चल रहा है, उसमें अपना मनरेगा हुआ या और भी PDS है, सर्जन पेंशन है, और भी कई तरह के स्टॉल लगा हुआ उसमें काम हो रहा। तो अबू आवास के जो ये लाभुक हैं, वो कोई भी हो सकते हैं या कोई विशेष कैटेगरी? नहीं नहीं नहीं, कोई भी हो सकते हैं। इस बार ऐसा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, सामान्य वर्ग के सभी लोग के लिए किया जा रहा है, सभी लोगों के लिए वो लक्ष्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए।